ओके सो हे गाइस व्हाट्स अप वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस मेरा नाम है करण एंड आज की इस नई वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की ही फोटो एडिटिंग। एंड गाइस इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेन जिसका मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, तो आप लोग इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस वीडियो पे यार थोड़ा अच्छा रिएक्शन दिखाओ, मतलब कि मैं चाहता हूं कि यार मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहा हूं यार, प्लीज यार आप लोग एक शेयर कर दिया करो। बाकी गाइस क्या होता है कि अगर आप लोग एक शेयर कर दोगे तो यार मतलब मेरी मेहनत को भी थोड़ा सा मतलब कि प्रॉफिट हो जाएगा, तो आप लोग यार थोड़ा सा मतलब एक शेयर कर देना। बाकी गाइस अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चलिए गाइस आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आप सभी को सबसे पहले क्या करना है गाइस, आप लोगों को पहले इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, ठीक है। एंड इसको देख के बिल्कुल भी घबराओ मत, आपको मैं बताता हूँ आपको कैसे एडिट करनी है अपनी फोटो को, ठीक है। आपको ये करना है, आपको जाना है इसको ऐड करने के बाद, आपको जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस आपको यहाँ पे ऐड करना है आपको अपने मॉडल को, ठीक है। जो भी आपका मॉडल का पीएनजी होगा जैसा ही पोज होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप उसको ऐड कर लेना, उसके बाद इसका बैकग्राउंड वगैरह इरेज कर लेना, क्योंकि गाइस अभी आपको मैं वीडियो में तो सबको दिखा नहीं सकता यार, क्योंकि यार मतलब अभी दिखाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो उन सबके ऊपर जो मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है तो उसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर वॉच कर लेना। बाकी अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। गाइस जब आप अपने मॉडल यहाँ पे ऐड करोगे तो गाइस आपको ओपेसिटी कम करके चेक करना है कि आपका जो मॉडल है वो अच्छे तरीके से लगा है कि नहीं लगा है। फिर आपको जाना है इरेजर टूल में। इरेजर टूल में जाने के बाद आपको नीचे का जो पार्ट है कुछ इस तरीके से इरेज कर लेना है, थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेना है ताकि जो है मतलब कि जब हम ओपोसिट यहाँ पे फुल करेंगे तो उसके बाद हमें दिख जाएगा कि यहाँ पे हमें कहाँ कहाँ तक फिल करना है, ठीक है। तो अब इसको हम फिल कर लेते हैं। अब उसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें फिल करना है थोड़ा सा। तो अब हम यहाँ पे मॉडल जो है हमारा थोड़ा ऊपर की तरफ कर लेते हैं हल्का सा। अब यहाँ पे थोड़ा सा साइज़ भी छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इतना परफेक्ट साइज़ है, ठीक है, आपको दिक्कत की बात नहीं लगती मेरे को इसमें। और जो है इसमें हम यहाँ पे नीचे का साइड जो रह गया उसको हम फिल कर लेते हैं इरेजर टूल में जाके, और इसको हम ऐसे इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी इतना कर देने के बाद जो है आपको अभी इसमें और भी चीज़ें करनी है, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि आपने यहाँ पे मॉडल लगा दिए बस हो गया, अभी बहुत चीज़ें हैं। तो अभी क्या करना है आपको, जब आप यहाँ पे मॉडल को लगा दोगे तो जैसे कि इसमें थोड़ा सा कलर एडजस्टमेंट करनी है हमें, ठीक है। तो उसको करने के लिए क्या करेंगे, सॉरी गाइस क्रॉप में चले गए हम गलती से, तो यहाँ पे जो है जो मैंने इरेज किया था वो वापस से आ गया शायद से, तो दोबारा इरेज करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ से हम इरेजर टूल में चलते हैं, ठीक है, इरेजर को हार्ड फुल करके एंड यहाँ से इरेज कर लेते हैं इसको हम, परफेक्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अभी गाइस देखिए मॉडल जो है हमारा मतलब बैकग्राउंड से ना एकदम अलग ही लग रहा है, तो उसको हमें यार फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से इसको लेके चलेंगे यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन में, ठीक है। एफएक्स वाला जो ऑप्शन होता है उसमें ले जाएंगे, उसके बाद आपको एक कलर्स वाले ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे आपको एक ब्राइटनेस करके एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इसके ऊपर एक बार टैप करना है, जो उसकी ओपेसिटी है उसको कम करना है अराउंड 96-100 तक, 99 तक रख लेना, डन कर देना, इतना परफेक्ट है, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना, आपको यहाँ पे कर देना अपने फोटो को डन, ओके। इतना हो जाने के बाद आपको फिर एक चीज़ और करनी है, आपको जाना ऐड फोटो में, यहाँ से ऐड करना है आप सभी को पेंसिल और पेन के पीएनजी, दोनों आपको मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो उसको ऐड करने के बाद जो आपको फोटो को वहाँ पे जूम करना है, ठीक है, पहले ये वाला जो पेन है हम इसको रोटेट कर लेते हैं, सो हम इस साइड को कर लेते हैं इसको, एंड इसको हम इस साइड को रख देंगे। एंड गाइस इसका आपको एक डुप्लीकेट ही बनाना है, क्योंकि पेन जो है हमारे दो होंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको हम डुप्लीकेट करते हैं, एंड डुप्लीकेट करके जो इसको रोटेट करके, सॉरी गाइस डिलीट हो गया, इसको मैं दोबारा से डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट करके जो है हम इसको कुछ इस टाइप से इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, अपने हैंड की तरफ इस तरीके से। अब गाइस देखिए बात आती है पेंसिल की, तो पेंसिल को जो है हम कुछ इस टाइप से यहाँ पे जो है इस तरीके से रख देते हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारे हाथ से जो है अप्लाई हो रहा हो, मतलब हमारे हाथ में पावर है जो उससे अप्लाई हो रहा है पेन, ठीक है। तब कोई दिखाना है, उसके बाद करना डन। अब गाइस देखिए फोटो में जो एक कमी है जो कि यार ब्लर की, ठीक है। तो यानी कि जब हमारा जो पेन वेन उड़ेगा तो थोड़ा ब्लर तो होगा ही ना, तो उसको करने के लिए आपको जाना है इफेक्ट में। इफेक्ट में जाने के बाद आपको ब्लर में जाना है। ब्लर में जाने के बाद आपको लास्ट से चेक करना आपको कौन सा वाला ब्लर ठीक लग रहा है, मतलब आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी गाइस मैं बताता हूँ आपको, ये जो फोकस जूम है ना, ये वाला आपको लेना है, ठीक है। जूम वाला जो ब्लर है ये लेना है आपको। फिर उसके बाद आपको अपनी फोटो को जूम करना है, फिर देखना है ब्लर जो है कहाँ तक हो रहा है, ठीक है। तो ब्लर में अगर आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी हो तो आप यहाँ से कर लेना, ठीक है। इसके ऊपर टैप करोगे तो आपके पास सारी सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो अब इसको मैं कम करता हूँ थोड़ा ब्लर, एंड उसके बाद जो पॉइंट है ना इसको आप ले जाओ ऊपर की तरफ इस तरीके से, देखिए, ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसको ज़्यादा ऊपर मत ले जाना है तो डार्क हो जाएगी फोटो, थोड़ा नीचे ले आते हैं। अब देखिएगा इस पेन वैन जो हमारे ब्लर हो गए, अब उसको यहाँ पे ठीक करना है, ठीक है। बाकी चीज़ों को तो ठीक करना है, तो उसके लिए इरेजर टूल में जाके इन्वर्ट करेंगे, ब्रश लेंगे, ब्रश को लेने के बाद जो हम फोटो को जूम करेंगे अपनी, उसके बाद हम अपने पेन के पास इस तरीके से पेंट करेंगे, ठीक है गाइस। तो अब देखिए हमारा जो पेन वगैरह वो लग रहा है कि हाँ अप्लाई हो रहा है ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद आपको उसको करना है डन। अब गाइस देखिए अभी इसमें आपको दिख रहा होगा जो ऊपर जो लाइट है उसकी रिफ्लेक्शन है यार अभी हमारे मॉडल पर तो दिख नहीं रही है, तो अभी उसको भी दिखाने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद हम यहाँ से ऐड करेंगे एक लाइट का पिंच, फिर उसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो है यहाँ से पहले हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे, इसको करेंगे हम स्क्रीन,
परफेक्ट ठीक है। अब उसका लाइट के पास हम कुछ स्टेप्स इस तरीके से इसको ले जाएंगे, इसका साइज हम कर देंगे बड़ा इस तरीके से। ओके गाइस, फिर उसके बाद जो हम इसको लेंगे वो ओपेसिटी, ओपेसिटी लेने के बाद जो हम इसको हल्का सा कम करेंगे इस तरीके से ठीक है। अब यहाँ पे परफेक्ट है, अब इसको कर लेते हैं हम डन। अब गाइस देखिए हमारा पिक्सआर्ट वगैरह का जो काम है हो चुका है, अब इसको हम करते हैं सेव एंड इसको लेके चलते हैं लाइट रूम ऐप में, और उस लाइट रूम ऐप में रिटच करके हम बूम फोटो बना देते हैं वहाँ पे ठीक है। तो इसको हम ऐड कर लिया हमने ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं हम डायरेक्ट लाइट वाले ऑप्शन में। आपको जब गाइस लाइट वाला ऑप्शन में जो दिख रहा होगा आपको साइड में, आपको सिंपली इसके ऊपर एक बार टैप कर लेना है। इस पर टैप कर देने के बाद आपको सिंपली इसका कॉन्ट्रास्ट जो है इसको इंक्रीज़ करना है, हाईलाइट जो है इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देना है ठीक है। एंड इसके बाद जो शेडो है शेडो को यहाँ पे थोड़ा माइनस कर देना है, एंड जो हाईलाइट है इसको इंक्रीज़ कर देना है, जो ब्लैक है इसको थोड़ा सा कम कर देना है। फिर इसके बाद अगर जितना कर देने के बाद आपको जाना कलर्स में, आपको वाइब्रेशन बढ़ा देना है, फोटो में जो टेम्परेचर है वो अपने हिसाब से कम कर लेना है, फोटो में थोड़ा ब्लू टोन की इतना चाहिए आपको। फिर उसके बाद आपको जाना है कलर मिक्स में, ऑरेंज कलर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, एंड जो सैचुरेशन है आपको उसको माइनस करके ल्यूमिनस को बढ़ा देना है। देन आपको करना है यहाँ पे जाना येलो कलर में, इसका ह्यू माइनस करना है, सैचुरेशन प्लस कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है डायरेक्ट डार्क ब्लू में, इसका जो ह्यू है इसको बढ़ाना है, एंड सैचुरेशन भी बढ़ाना है, एंड करना है डन। इतना हो जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको जाना नीचे रेटल में, आपको यहाँ पे फोटो की जो क्लियरिटी है इसको इंक्रीज करना है, फोटो में डालना है विग्नेट अपने फोटो के अकॉर्डिंग। देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ग्रीन अमाउंट बढ़ाना है, नीचे रेटल में जाना है, नीचे रेटल में जाकर आपको यहाँ पे फोटो की शार्पनेस इंक्रीज करनी है, फोटो में जो नोटिफिकेशन वगैरह उसको बढ़ाना है, एंड इसके नीचे मिलेगा आपको कलर नोटिफिकेशन आपको उसको एक बढ़ा देना है। अब गाइस फाइनली आप देख सकते हैं हमारी फोटो जहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आपसे वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आता है वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी चलिए मिलता हूँ किसी वीडियो में, तब तक क्लिक गुड बाय।